हिंदू कॉलेज में 45वां ऑल इंडिया गोस्वामी गणेश दत्त मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट सीजन की शुरुआत 13 मई से की गई। इस टूर्नामेंट में 18 टीमें भाग लेंगी और साथ ही इस टूर्नामेंट का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। आज का जो मैच खेला गया है वे मैच दोस्ताना मैच के रूप में खेला गया। 45वां ऑल इंडिया गोस्वामी क्रिकेट दत्त मेमोरियल क्रिकेट का पहला मैच 2 मई 1974 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच के दौरान टूर्नामेंट के चेयरमैन विनीत लाल भी मौजूद रहे। आज के मैच के दौरान इम्वा प्रिंट मीडिया 11 टीम ने 173 रन का लक्ष्य दिया था और सामने वाली टीम दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने खेल के बीच ही हार मान ली और घर की वापसी कर ली। इस बार इस टूर्नामेंट में 18 टीमें भाग ले रही हैं और 13 मई को शुरू हुआ था, 3 जून को इसका फाइनल इसी ग्राउंड पे होगा। हॉट वेदर ये है, लड़के तो खेल के हॉट वेदर में राजी हैं, सर्दी में खेलता कौन है। हमें 2 मई 1974 से शुरू किया था, पहला टूर्नामेंट हमारा उद्घाटन कोटला ग्राउंड में हुआ था। मेरे को जो दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उसका प्राइज उस साल आई के गुजरात जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने किया था। उस समय वो आई एंड बी मिनिस्टर होगा। कपिल देव जब खेलने आया था तो उसने कहा था मैं हॉट वेदर खेलता ही हूँ क्योंकि मुझे मेरी सर्दियों में उसको स्ट्रेंथ मिलती है मेरे को। तो इस तरह और भी टूर्नामेंट, मनोज प्रभाकर सारे गर्मियों में खेलते थे, अजय जडेजा है, सौरभ गांगुली भी यहाँ खेल के गया है नहीं इससे। सर इस पारी को मैं बस अपना क्रिकेट खेलने आया था मैं यहाँ तो, और मैं बेसिक पे था तो अच्छा लगता है सर स्कोर करना, और अगेंस्ट में बहुत अच्छे प्लेयर थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो मैं अपने बेसिक पे था और अच्छा करने की कोशिश। नहीं सर एक्चुअली मेरे जो कोच है उन्होंने मेरी बैटिंग प्लान की हुई है कि मुझे कैसे बैटिंग करना है, तो मैं अपने नॉर्मल बेसिक से शुरुआत किया था। और हमेशा से हमारे कोच बताते हैं कि अगर बॉल आपको बैट पर मिले तो आप उसे बाहर ही मारो, नहीं तो इतने बड़ा टूर्नामेंट सर एक खुशी है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में स्कोर करना। और इसका इस टूर्नामेंट में बहुत लोग तरसते हैं खेलने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं युवा हैं जो ये टूर्नामेंट चाहते हैं कि मुझे कोई खिलाए मुझे कोई खिलाए, और इस फॉर्मेट में मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश किया कि मैं अपना बेस्ट दूँ और अच्छा करूँ सर। सर एक्चुअली मैं समाचार वार्ता से तो खेलता ही हूँ सर, और पास्ट मेरा सर मैं झारखंड से भी खेल चुका हूँ, तो जस्ट बिकॉज मैं अपना प्रैक्टिस मैच के तरीके से हर मैच खेलता हूँ तो सर ये भी खेल। मैंने शिवम को एक चीज़ बोली थी जब मैं क्रीज पर उतरा था कि शिवम आपके अच्छे बॉल कनेक्ट हो रही है, ठीक है, मैं आपको सिंगल डबल करके शुरुआती आपको स्ट्राइक दूंगा, आप अपना जैसे खेलना चाहे खेलें, और इन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट भी की, हिट भी किया बॉल को, ठीक है, और मुझे भी चांस दिया। अपने लिए नहीं खेले, ये टीम के लिए खेले हैं। हिट करने में तो आप भी पीछे नहीं रहे। मैं पीछे नहीं रहा, मेरा भी इनके कारण मनोबल बढ़ गया। इन्होंने मुझे मतलब इतना एक्साइटमेंट दे दी कि जो मेरे जज्बात थे वो बाहर आ गए एकदम। आप युवा बन गए एक तरीके से। बिल्कुल सर, इन्होंने इनसे भी मुझे बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिला है, क्योंकि एक युवा खिलाड़ी हैं लेकिन मैं एक सीनियर हूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि इनसे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला है। ये सोचा था कि अगर पावर प्ले में हमारा विकेट गिरता है तो मेरी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में सिंगल डबल की रहेगी, और क्योंकि इनसे इनके इनके बैट से अच्छा बॉल कनेक्ट हो रहा था तो मैंने इनको ज़्यादा रोटेट किया, इनको ज़्यादा चांस दिया, और इन्होंने भी मेरी इंस्पिरेशन से मुझे भी थोड़ा अपना इतना एक्साइट कर दिया कि सर आप भी खेलो, बीच बीच में बोलते रहे और मैं इनको ये कहता रहा कि नहीं आप खेलते रहिए, मैं मेरी जो हिट करने वाली बॉल होगी मैं नहीं। साथ ही इम्वा टीम के मैन ऑफ द मैच शिवम त्रिपाठी रहे और शिवम त्रिपाठी को सम्मानित भी किया गया। समाचार वार्ता के लिए साहिल भामरी और अनमोल कुमार की रिपोर्ट।